कोर्ट के आदेश के बाद कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर चल रही बहस के बीच अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सरकार सहमत नहीं है और एससी एसटी आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, इसका मतलब हुआ कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आईएएस के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने एससी एसटी कोटे में सब कोटा बनाने का फैसला सुनाया और क्रीमी लेयर की बात कही। इस फैसले के बाद देश के एससी एसटी वर्ग में एक चिंता थी कि क्या उनके लिए संविधान के तहत मिले आरक्षण के अधिकार में कटौती होगी या फिर एससी एसटी कोटे के अंदर ही सब कोटा बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा था। 9 अगस्त को एससी एसटी समाज के 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर पर एससी के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और एससी एसटी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सरकार की ओर से मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया है कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब उनसे है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष के लोग फैसले में खामी ढूंढने की कोशिश में लगे हैं तो सत्ता पक्ष के नेता फैसले की तारीफ कर रहे हैं। यह पूर्णतः स्वागत योग्य कदम है कि मोदी सरकार देश में जनगणना कराया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर भले ना हो लेकिन कोटे में कोटा होना जरूरी है, क्योंकि अनुसूचित जाति की कई जातियों के लोग अब भी मुख्य धारा से दूर है। क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी के बयान पर बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पलटवार किया। ललन पासवान ने कहा, छोटे स्वार्थ के लिए बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जैसे इंटरसेक्शन में जाएंगे, जैसे हम लोग बिखरेंगे, जैसे हम लोग बटेंगे, हमारी ताकत छिन्न हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी अगर जो बटने के फेवर में है। अब आरक्षण जारी रखने के पीछे के तर्क को भी समझ लीजिए। आज भी लोगों की मानसिकता बहुत नहीं बदली है। अगले पिछड़े के बीच के अंतर को मिटाना है। दलित को उनकी जाति के नाम से पहचाना जाता है। आरक्षण की सहायता से बदल रही है सामाजिक स्थिति। मतलब ये कि छुआछूत खत्म नहीं हुआ, इसलिए आईएएस के बेटे को रिजर्वेशन जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।